मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी और उनके संरक्षणदाता निवेश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अपराधियों और उनके संरक्षणदाताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है। सीएम योगी बुधवार शाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने 504 करोड़ रुपए की 133 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, 260 करोड़ रुपए के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करने के साथ तथा 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के 24 निवेशकों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों व जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। यहां गुंडागर्दी, अराजकता व सत्ता संरक्षित अपराध का बोलबाला था, जबकि आज सर्वाधिक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में है। अपराध पर नकेल कसने के साथ ही सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से निवेशकों को सुविधा दी। निवेश मित्र पोर्टल के सिंगल विंडो से ऑटो मोड पर 340 से अधिक सेवाएं निवेशकों के लिए उपलब्ध है। यह देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन सेक्टरों से जुड़े इंसेंटिव भी पोर्टल के माध्यम से ऑटो मोड पर निवेशकों को प्राप्त होते रहेंगे। किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी व समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में नंबर 2 के पायदान पर है और शीघ्र ही इसे नंबर 1 पर लाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यूपी में पर्याप्त लैंड बैंक है तो एमएसएमई की इकाइयों को शुरुआती 1000 दिन तक एनओसी लेने की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर के निवेशक भी भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि जो पूंजी रोजगार का सृजन करे वह निवेश है। यहाँ के उद्यमी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोलकर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। ऐसा करने पर सरकार उनका स्वागत करते हुए हर स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के निवेशक भागीदारी करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अगले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन की भूमिका में होगा। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक निवेश, रोजगार सृजन और बेहतर सीडी रेशियो पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रति माह जिला स्तर पर तथा प्रत्येक 3 माह पर मंडल स्तर पर बैठक करने का निर्देश प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने उद्यमियों से कहा कि इन बैठकों में भी समस्याओं का समाधान न हो तो वे शासन को पत्र लिखने या फोन करने में गुरेज ना करें। गीडा दिवस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में गीडा की विकास यात्रा शानदार रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि और अधिक प्रगति के लिए गीडा का लैंड बैंक बढ़ाया जाए, धुरिया पार तक विस्तार करते हुए बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की दृष्टि से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी होनी चाहिए। जब अपने ही क्षेत्र की फैक्ट्री में रोजगार मिलने लगेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए गीडा को स्वयं तथा उद्यमियों के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आज के दौर में किसी भी उत्पाद की डिजाइनिंग व पैकेजिंग का भी बड़ा महत्व है। अच्छी डिजाइनिंग व पैकेजिंग के बिना उत्पाद को अपेक्षित महत्ता नहीं मिल पाती है। उन्होंने गीडा को पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की ताकत को समाज अभी समझ नहीं पा रहा है, जबकि वे गृहस्थ को संभालने के साथ स्वावलंबन का नया मॉडल खड़ा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने गीडा में स्थापित हो रहे फ्लैटेड फैक्ट्री की चर्चा करते हुए कहा कि 80 यूनिटों वाली यह फैक्ट्री महिलाओं के स्वावलंबन का बड़ा आधार बन सकती है। यहां रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और इनसे जोड़कर महिलाएं भी प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपए कमा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर भी प्रयास करना चाहिए। यदि रेडीमेड गारमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए तो यहाँ के प्रोडक्ट दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक छा जाएंगे। ऐसा होने से लाखों युवाओं व महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। कभी औद्योगिक विकास के दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला गोरखपुर गत 5 सालों से विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सबको पता है कि 90 के दशक में गोरखपुर की क्या छवि और पहचान थी। नए उद्योगों की स्थापना तो दूर, पहले से चले आ रहे उद्योग भी बंद होते जा रहे थे। 1989 में गीडा की स्थापना का प्रयास कागजी खानापूर्ति तक सीमित हो गया था। आवागमन के साधन नहीं थे, सड़कों की दशा अति जर्जर थी। गोरखपुर से लखनऊ जाने में 8 से 10 घंटे और वाराणसी जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे। एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रेनों में सीट्स नहीं मिलती थी। 2017 के बाद पूरी तस्वीर बदल गई है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। बंद खाद कारखाने की जगह नया कारखाना 105% की दर से खाद उत्पादन कर रहा है। पिपराइच में बंद चीनी मिल की जगह नई मिल शुरू हो गई है। रोड कनेक्टिविटी मजबूत होने से गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे और वाराणसी की दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो रही है। शानदार एयर कनेक्टिविटी के चलते गोरखपुर से प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट्स की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास का नया क्षेत्र गीडा से धुरियापार तक होगा। इसके लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पूर्व होने और औद्योगिक विकास को नया आकार मिलने से लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। सीएम योगी ने कहा कि यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हम अपने क्षेत्र को कैसा माहौल देना चाहते हैं। जाति मत मजहब में बटे रहेंगे तो विकास नहीं होगा, पहचान का संकट होगा, दूसरे लोग हमें अविश्वास की नजर से देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को अपराध व पिछड़ेपन के कलंक से मुक्ति दिलाने का जो संकल्प लिया गया है उसे लेकर हुए आंदोलन में एक एक नागरिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका परिणाम है कि आज नागरिकों के ही सहयोग से गोरखपुर की पहचान विकास के नए मॉडल के रूप में है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का हब बन चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा है तो प्रधानमंत्री के हाथों एम्स की सौगात भी मिल चुकी है। गोरखपुर में हजारों निजी चिकित्सक सेवाओं से जुड़े हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में कई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट व 4 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा व शोध के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। गोरखपुर व पूर्वी उत्तर प्रदेश आज रोजगार का बड़ा केंद्र है। पटना से लखनऊ के बीच सबसे बड़ी दवा मंडी गोरखपुर में है तो किराना के सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पर है। यहाँ उद्योगों के विस्तार की अपार संभावना है। इन संभावनाओं को माहौल देने का दायित्व हम सबका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा में जितना निवेश पिछले 5 सालों में हुआ है उतना इसके पूर्व के 27 सालों में भी नहीं हुआ था। गीडा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि सरकारें आई और गईं, लेकिन 2017 तक गीडा उपेक्षित ही रहा। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माहौल बदला तो देश भर के उद्यमी गीडा में निवेश करने आ रहे हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही गीडा आज आईटी हब भी बन रहा है। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजीत सरिया ने कहा कि सीएम योगी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर और बेहतर कनेक्टिविटी से गीडा को निवेशकों की पसंदीदा स्थान बना दिया है। मजबूत कानून व्यवस्था से बाहर के उद्यमी भी यहां निवेश को उत्सुक हैं। आभार ज्ञापन गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने किया। गीडा दिवस समारोह के अंतर्गत गीडा कार्यालय परिसर में गीडा में लगी यूनिट्स में बन रहे उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी थी। सीएम योगी ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन कर उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं कमर्शियल प्लाजा का मॉडल देखने के साथ ही रेडीमेड गारमेंट, होम अप्लायंसेस एवं इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक बैग व अन्य उत्पाद शिक्षण संस्थानों, टोरेंट गैस, फूड प्रोडक्ट्स, प्लाई एवं लेमिनेट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्टील एवं इंजीनियरिंग व विभिन्न बैंकों के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके उत्पादों व सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल समेत चैंबर के अन्य पदाधिकारी,
उद्यमी आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी से भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली निवेशक महिला उद्यमी महिमा त्रिपाठी ने कहा। स्थापना दिवस एक अनूठी संकल्पना है। किसी भी संस्थान की, किसी भी मनुष्य एक अनूठी श्रृंखला पर आकड़ा हुआ था, शिक्षा को प्राप्त कर चुका था, तो यह आयामों को पूरा किया और आज प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भांति पूर्वांचल के क्षेत्र में भी औद्योगिक दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी परिकल्पना एवं सोच के अनुरूप आज यह जिला स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सबके संरक्षक परम आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन गीला के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हो चुका है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सर्वप्रथम हमारा अरे श्याम भाई थोड़ा सा क्या है ये चलिए किसमें हैं उधर लेना ही आ जाओ। गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण का, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का, उपस्थित हमारे उद्यमीगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अतिथि देवो भव की द्वारा स्वागत, कुछ कलिका के द्वारा स्वागत करने के लिए हम श्री विष्णु अजीत सरिया जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय
विधायक महोदय से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन के लिए आए। इंडस्ट्रीज विष्णु अजीत सरिया जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी, जीडा स्थापना दिवस से 25 साल बाद 2017 में अपने असली आजादी का रूप लिया जब पूज्य महाराज जी की सरकार आई और आज जीडा में भारत के देश के कोने कोने से उद्यमी यहाँ आ रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं और यहाँ के जो युवक हैं सैजनवा विधानसभा सहित पूरे पूर्वांचल के युवक लाखों युवक यहाँ रोजगार पा रहे हैं। आज यहाँ हमारे कीड़ा से युवक पूरे पूर्वांचल के आज यहाँ लाखों युवक सर्विस कर रहे हैं और आज हमारा कीड़ा एक आईटी का हब हो गया है। जो बच्चे हमारे पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे आज आईटी पे हब होने से वो बच्चों को यहीं पढ़ाई करना पड़ रहा है। कुछ महाराज जी कर रहे हैं, कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से आज गीडा हमारा चारों तरफ से फोर लेन से जुड़ा हुआ है। आज आईटी कॉलेज की बात हो चाहे इस विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय बना हो। सादर धन्यवाद महोदय। और इसी क्रम में मंच पर उपस्थित पूरे क्षेत्र को सुविधा दी है, संचालित हो रही है। इसी प्रकार विद्युत की जो बात थी, 24 घंटे हमें बिजली मिलकर की जो स्थिति थी उससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होते थे। आज ये सारी परिस्थितियाँ उद्योग लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल का इन्वेस्टमेंट बीडा के द्वारा कराया गया है। आने वाले 5 वर्षों में पुनः 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में आएगा। ऐसा नहीं लोगों को रोजगार देने की उसमें मैं क्या देखता हूँ, सबसे अधिक अगर रोजगार के अवसर होते हैं तो रेड में गारमेंट में होते हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास से नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बन रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2000 करोड़ में औद्योगिक गलियारा और समस्त अतिथिगणों का हम सभी आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर संपन्न होता है। के साथ ये नई सोच आगे बढ़ने के लिए जनपद को कुछ नया प्राइवेट लिमिटेड CWC लॉजिस्टिक के मिसर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से भू कॉमर्शियल एवं प्राइवेट एक्वा हमारे मिसर्स लेकिन एसोसिएट से श्री किशोरी लाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इसके पश्चात अंतिम नाम हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। एक बार तालियों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस स्थापना दिवस पर इन्हें इनका आवंटन पत्र प्रदान प्राधिकरण स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सैजनवा से लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली श्री दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, शिवस्वामी त्रिपाठी जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभी उद्यमी और निवेशक गण, गोरखपुर के मंडलायुक्त और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा और अन्य सभी इस पूरी व्यवस्था से जुड़े थे सभी अन्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको गोरखपुर विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास से जुड़े थे आप सभी महानुभावों का मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आपको बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर आज विकास के
नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कभी औद्योगिक दृष्टि शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए मानक और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को, तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी। जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीड़ा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8-10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से एक वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6-7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी, 1990 के दशक के प्रारंभ में ही ये बंद हो गई थी। जो वायु दूत की एक सेवा यहां चलती थी, ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए सिफारिश के लिए कितने लोग यहाँ पर सिफारिश करने के लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित नए बुद्धिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम प्रस्तावित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुके चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है और गोरखपुर औद्योगिक विकास के दृष्टि से आगे बढ़ सके इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत शीघ्र जब ये बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गीड़ा से लेकर के धुलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं का आगे बढ़ाने में यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं, हमारी सोच विकास की क्या है। अगर जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा, हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो, उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा था। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आज यहाँ पर गीड़ा के लिए या गोरखपुर के विकास के लिए जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है। अपार जन समर्थन, सदैव
आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बना रहा, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हमने विकास के कुछ नए मानक बढ़े हैं। आज गोरखपुर में न केवल एजुकेशन का एक हब गोरखपुर बन रहा है, गीड़ा में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज भी काम कर रहा है, चार चार विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में उच्च शिक्षा के केंद्र और शोध के केंद्र बने हुए हैं, कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इन सभी को साथ लेते हुए आज गोरखपुर हेल्थ का भी एक हब बन रहा है। आज आप देख रहे होंगे ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बनकर के कार्य हो चुका और वहां पर लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी प्राप्त होनी शुरू हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष ही एम्स का उद्घाटन हो चुका है और गोरखपुर एम्स गोरखपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर में हजारों चिकित्सक वर्तमान में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन का ही हब नहीं है, मैं तो इस बात को मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के रोजगार और व्यवसाय का भी एक प्रमुख केंद्र गोरखपुर बनकर के उभरा है। पटना और लखनऊ के बीच में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोरखपुर है, गोरखपुर किराना की सबसे बड़ी मंडी है, गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक उद्योग वर्तमान में लगने की ओर अग्रसर है। अपनी इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का माहौल देना ही हम सबका दायित्व बनता है। विगत 5 वर्ष के अंदर जितना निवेश गोरखपुर में हुआ उतना निवेश गीड़ा के स्थापना काल के दौरान 27 वर्षों के अंदर उतना निवेश नहीं हो पाया था जितना निवेश अकेले विगत 5 वर्ष के अंदर गीड़ा के अंदर, और इसीलिए उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी जिन्होंने गीड़ा में निवेश करने के लिए एक आत्मविश्वास के साथ निवेश किया है, उन सभी उद्यमियों को, उन सभी निवेशकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर आज यहां पर गीड़ा से जुड़ी भी लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और 70 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही गोरखपुर में फैकेट फैक्ट्री मैं भी देख रहा था, प्रस्तावना यहां पे लगे हुए हैं। मेरा मानना महिला जो शक्ति है, मातृशक्ति है, उसकी ताकत को अभी लगता है समाज समझ नहीं पा रहा है। अपनी घर गृहस्थी को संचालित करने के साथ ही उनके द्वारा स्वावलंबन का एक नया आदर्श खड़ा किया जा सकता है, और इसके लिए प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, जहां महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड देकर के प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न कार्यों के साथ जोड़ रही है, वहीं फैकेट फैक्ट्री के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स के एक हब के रूप में भी आप गोरखपुर को बदल सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों को कार्य मिल सकता है और यह एक अच्छा कार्य होगा। यहाँ पर फैकेट फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट गोरखपुर को दिया जा रहा है, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए यहाँ पर इस कार्य के लिए दिए जा रहे हैं और पहले चरण में 80 इकाइयां फैकेट फैक्ट्री की गीड़ा में स्थापित होंगी। प्लास्टिक पार्क 70 करोड़ रुपए की लागत से 92 इकाइयां इसमें लगेंगी, जिसमें गेल के द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और प्लास्टिक से जुड़ी हुई कुर्सी है, मेज है, अन्य तमाम जो सामग्री बनती है जो घर के उपयोग के लिए होती है किया जा रहा है, जिसमें 504 करोड़ रुपए की लागत से इसमें निवेश होगा और इसमें लगभग 3500 नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी यहाँ इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गीड़ा में 24 निवेशकों को
आज यहाँ पर भूमि आवंटन का कार्य हो रहा है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए की लागत से निवेश, 1200 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर होगा और इसके माध्यम से लगभग 1500 से 2000 नौजवानों को इसमें भी रोजगार की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी, जिसमें वरुण बेवरेज ये पेप्सिको का एक उपक्रम है, उसके द्वारा यहाँ पर एक यूनिट की स्थापना होने जा रही है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा भी यहाँ पर लगभग 40 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। अन्य तमाम कार्यों को यहाँ पर आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वह एक नई शुरुआत है। ढेर सारे अभी प्रोजेक्ट ऐसे जो पाइपलाइन में है, जो यहाँ गीडा में निवेश करने के इच्छुक है, जो लोग गोरखपुर आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको भी तैयार रहना होगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षणदाता होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। हर निवेशक सुरक्षा की गारंटी चाहता है, स्वयं की भी और अपनी पूंजी की भी। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को हम दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र जो अपना पोर्टल तैयार किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करते हुए 340 से अधिक सेवाएं ऐसी दी हैं कि निवेशक आवेदन करेगा, 340 से अधिक सेवाएं ऑटो मोड पर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ये सारा कार्य उसको करते हुए दिखाई देंगे। और अब तो हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो निवेशक निवेश करेगा शासन से किसी पॉलिसी के अंतर्गत, हमने 25 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए हैं जिसमें प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाएं हैं, और उसने किसी भी निवेशक और उद्यमी को उससे शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम उस पोर्टल के माध्यम से वो जैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा उसमें ऑटो मोड पर वह पैसा उस निवेशक के खाते में अपने आप जाता रहेगा, जिसके लिए उसको शासन के भी यहाँ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इन चीजों की समीक्षा भी करता है। आज उस दिशा में हमने प्रयास किया, आज उसके अच्छे परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं था, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, सत्ता प्रायोजित अपराध था, संगठित अपराधियों के द्वारा उद्यमी निवेशकों और सामान्य जनों और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाने का काम किया जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज तो एक सुरक्षित माहौल है। उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति अपने निवेश की भी और स्वयं की भी सुरक्षा की गारंटी ले सकता है, और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए, उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है, और शीघ्र हम नंबर 1 की अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करता है, जिसमें 340 से अधिक सेवाएं एक साथ एक पोर्टल में एक क्लिक के माध्यम से वह हर निवेशक को उपलब्ध हो सकती है। एमएसएमई में निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी को 1000 दिनों तक किसी भी प्रकार की उसको एनओसी की आवश्यकता नहीं, वो प्रक्रिया अपनी चलाता है, अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना कार्य प्रारंभ करे। ये भी सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की है, बहुत सारी सुविधाओं को हम दे रहे हैं। और इसी में मैं आह्वान करूंगा गोरखपुर के उद्यमी और निवेशकों से, 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है। देश और दुनिया के उद्यमी आएंगे, निवेशक आएंगे, बड़े बड़े निवेशक आएंगे, उस निवेश में गोरखपुर के उद्यमी और गोरखपुर के व्यवसायी भी निवेश करें, हर एक व्यक्ति उसमें
इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए। एक स्कूल बनाना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना, एक हॉस्पिटल का निर्माण करना, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना, एक इंजीनियरिंग संस्थान का निर्माण करना, यह अपने आप में एक निवेश है। एक फैक्ट्री लगाना, यह अपने आप में एक निवेश है। कुछ भी ऐसी पूंजी जो रोजगार का सृजन करती हो, कुछ नए लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ती हो, अपने आप में एक निवेश है। लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाती हो, वो अपने आप में एक निवेश है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनाई है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, अच्छे पैमाने पे बनाने की तैयारी करना। आप इसके लिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार आपका स्वागत करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। दूसरा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले 5 साल में एक अच्छी यात्रा प्रारंभ की है और मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, लैंड बैंक बढ़ाइए। गीड़ा से लेकर धुलियापार तक गोरखपुर का जो विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, वहां तक गीड़ा के विस्तार को ले लीजिए। एक एक निवेशक को अच्छी कनेक्टिविटी दे दीजिए, अच्छी सुविधा दे दीजिए, हर व्यक्ति आएगा। और दूसरा, यहां पर जिस प्रकार का निवेश हो रहा है, उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि स्किल डेवलपमेंट के अच्छे सेक्टर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा, जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उसके उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पर फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अच्छा है उनका स्किल डेवलपमेंट यहां पर और उस प्रकार के सेंटर स्थापित करें। गीड़ा को यहाँ के उद्यमियों के साथ मिलकर के उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गीड़ा स्वयं भी इस प्रकार का कार्यक्रम करे। दूसरा, पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा, डिजाइनिंग और पैकेजिंग पर। याद रखना, हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करना, औद्योगिक विकास से जुड़े हुए हमारे संस्थानों को स्वयं इसके सामने प्रयास करना चाहिए। पीडीपी मोड पर भी खोल सकता है, बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। और फिर अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी जनपद स्तर पर प्रयास करना, जो यहाँ पर रेडीमेड गार्मेंट से जुड़े हुए, जैसे मैं देख रहा था बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं, अगर हम इनको थोड़ा भी प्रोत्साहन करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के देशों में गोरखपुर का प्रोडक्ट छा जाएगा और वहां पर गोरखपुर के प्रोडक्ट का छाने का मतलब गोरखपुर में लाखों नौजवानों और लाखों महिलाओं को हम यहीं पे उनकी रोजगार की सुविधा में उपलब्ध करवा देंगे। और इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो कार्य आप सब कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने की जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन का काम करेगा। हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाना, यानी 80 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। अधिक से अधिक निवेश करना, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, सीडी रेशो को बेहतर करने के लिए बैंकर्स के साथ जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का संवाद होना, जिससे अधिक से अधिक यूथ को और उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके और उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता के लिए मैं गीड़ा प्रशासन से और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में उद्यमियों के साथ बैठ करके प्रतिमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठ करके उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करें।
उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्थानीय स्तर की समस्या है उसका वहीं पे समाधान होना चाहिए। उद्योग विभाग को बैठना चाहिए, गीडा प्रशासन को बैठना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान वहीं पे होना चाहिए। हर तीसरे महीने मंडलायुक्त और आईजी या डीआईजी रेंज के नेतृत्व में यह बैठक होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाइए, बैंकर्स को भी उसमें बुलाइए, उन समस्याओं का समाधान वहां पर होना चाहिए। और जो लगता है कि यहां से स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकता, शासन में है, तो शासन में हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए फोन करने में और पत्र लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। निस्तारण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इच्छा है। अगर हम कार्य करते हैं तो इससे उद्यमी को भी सहूलियत होगी, निवेशकों को भी इससे काफी सहूलियत होगी, और साथ साथ यहाँ पे पूंजी निवेश के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ पाएंगे। गीडा की शानदार यात्रा के मैं गीडा प्रशासन को, यहाँ के निवेशक और उद्यमियों को, उनके सभी सहकर्मियों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि एक बेहतरीन निवेश के गंतव्य के रूप में आप लोग गोरखपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। महिमा पांडे, यहाँ पे आवंटन हो रहा था जो भी हमारा ये गीडा का है वहाँ पे नए नए फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, उसके विषय में ये जो भी कार्यक्रम था उसके विषय में था। और मैं यहाँ पे गारमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आई थी, और इन लोगों ने आवंटन पत्र के माध्यम से मुझे, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आवंटन पत्र मिला। गीडा के कर्मियों ने बताया तो हम इन्वाइट किया तो हम आए। गारमेंट कंपनी में करना चाहती हूँ, और जो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, बहुत से वर्कर हैं जो रोज़गार नहीं मिलता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, उसके बारे में ही सोच के मैं ये कदम उठा रही हूँ।